हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खैरागढ़ कस्बे में करह आश्रम वाले खड़े हनुमान मंदिर पर मंगलवार से 3 दिवसीय तुलसी जयंती एवं रामदास महाराज का जन्मोत्सव समारोह शुरू हो गया। उक्त समारोह को लेकर खड़े हनुमान मंदिर पर भव्य सजावट की गई, साथ ही रामायण का पाठ शुरू हो चुका है जो अनवरत 3 दिन तक चलेगा। आपको बता दें कि पिछले 70 वर्षों से करह विहारी सरकार का खैरागढ़ में विशाल भंडारा तुलसी जयंती महोत्सव पर होता आ रहा है, जिसमें दूर दराज से इस भंडारे में भक्त आते हैं। वहीं समारोह में भाग लेने के लिए संतों का आना कल से ही शुरू हो चुका है। मंदिर पर पहुंचे संतों ने सुबह से बाल भोग का जमकर आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। तीन दिवसीय जो कार्यक्रम चलता है किशोरी जी, अच्छा अच्छा महाराज जी के, उसमें तो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमारे चैनल को आप दे दीजिए। अच्छा, विस्तृत। श्री महाराज जी करे विहारी सरकार, करे धाम पटिया वाले सरकार के कृपा पात्र हैं। इन्होंने 70 वर्ष से यहाँ खैरागढ़ में बहुत बड़ा बड़े बड़े उत्सव मनाए, खैरागढ़ वासियों को बहुत कुछ दिया, सत्संग, अपने दर्शनों से, वचनामृत से, नाम रूप लीला धाम के द्वारा खैरागढ़ वासियों को बहुत बहुत माधुर्य लीला के द्वारा बहुत कुछ दिया। जनमानस में भगवान नाम के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा, कथा के द्वारा जनमानस में राम राज्य का उदय, यही उनका उद्देश्य था। महाराज जी मानस सम्मेलन, कई मानस सम्मेलन कराए, तो इनका सर्वस्व था भगवान का नाम, नाम के द्वारा, कथा के द्वारा जनमानस में राम राज्य का उदय, ये श्री महाराज जी का भक्ति का प्रचार किया। पटिया वाले सरकार के कृपा पात्र थे। पटिया वाले महाराज जी 50 वर्ष पटिया पर बैठ के भजन किया था, उसकी बड़ी महिमा है। आज भी जो है, कोई भी कैसा भी असाध्य रोगी आ जाए, सर्प काट ले, कुत्ते काट ले, सब का निदान पटिया का जल पियो, स्वस्थ हो जाते हैं। तो भगवान नाम इनका सर्वस्व था, नाम के द्वारा भक्ति माता का प्रचार प्रसार, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार श्री महाराज जी ने किया। यहाँ पर माधुर्य लीला का विस्तार किया, खैरागढ़ वासियों को बहुत सुख दिया, कथा के द्वारा, नाम के द्वारा, लीला के द्वारा। अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पधारे, श्री भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, अनंत श्री विभूषित गोपालाचार्य जी महाराज, महाराज जी स्वयं ही नित्य ही कथा सत्संग श्रवण। इनका मुख्य स्थान कहाँ पर, ये पूछना चाहूँगा। मुख्य स्थान श्री करह धाम, मुरैना के पास करह धाम, वहाँ पर लगभग 60 वर्ष से अखंड भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है। आज भी 100-200 संत भक्त वहाँ रहते हैं, नित्य भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे। सम्मत 2001 में तो इतना विशाल भंडारा हुआ था, 120 मन पुए, 80 मन बूंदी तो महतरों ने इकट्ठी की, पत्तलों की जूठन बची थी।